बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। दशहरे पर रावण दहन के बाद में परिवार और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। देखिए रिपोर्ट। दशहरा, भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था, इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार आलस्य हिंसा और चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा देता है। रावण दहन के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेने रिश्तेदार और पड़ोसियों के घर जाना इस परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। इस मौके पर इंदौर में काफी रौनक दिखाई दी। कई जगहों पर लोग एकजुट हुए और एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि यह त्यौहार खुशियों का है, अपने रिश्तेदार दोस्तों के साथ मिलने का एक अलग दिन जीने का। वहीं किसी का कहना है सोशल मीडिया के इस दौर में बच्चे बिल्कुल सोशल नहीं रहे, अब त्यौहार मोबाइल पर ही मना लेते हैं। ऐसे में दशहरा एक अच्छा पर्व है जिससे वो अपने परिवार के साथ मना सके। बच्चे आजकल मोबाइल पर ज़्यादा रहते हैं और सोशल तो नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, और हर चीज़ मोबाइल पे सेंड कर देते हैं। कोई भी चीज़ होती है वो सारे त्यौहार जो भी है सब मोबाइल पे ही उन लोगों के मन रहे हैं। पर अभी हमारे यहाँ ऐसा है कि हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे भी हमारे सीख रहे हैं हर चीज़, तो अच्छा है हमारे यहाँ बहुत। बिल्कुल संस्कार, हाँ हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, हमारे संस्कार ऐसे विलुप्त नहीं होने चाहिए सारे जो त्यौहार हैं, और मिलते रहना चाहिए सबको। तो फेसबुक हाँ ये सब जिनका बिल्कुल तिरस्कार होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल रावण की जगह बल्कि यही सब चीज़ें हम लोगों को चला देनी चाहिए। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि उत्सव एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें घर के परिवार के सभी रिश्ते मित्रगण आपस में मिलते हैं, अपने जो रोज़मर्रा की व्यस्त दिनचर्या है उससे ये लोग एक अलग ज़िंदगी का एक रूप लेकर आते हैं जिसमें सारे मित्र मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे से आचार विचार देते हैं, और साथ में जो एक परंपरा होती है जैसे दशहरे का पर्व है, नवरात्रि में 9 दिन हम लोगों ने एक साथ मिलकर डांडिये किए और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी, उसी प्रकार जैसे दशहरा है जिसपे हम सोना पत्ती देकर बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, तो ये एक बहुत पर्व हमें एक दूसरे से जोड़े रखने की कड़ी होते हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। गोयल बिहार के रहवासियों ने दशहरे की शुभकामनाएं दी, साथ ही अमृतसर में हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। इस बीच उन्होंने धार्मिक कार्यक्रमों को नॉन पॉलिटिकल करने की नसीहत भी दे डाली। इस दौरान सोना पत्ती के बारे में भी रोचक जानकारी दी।
प्रवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं, पूरे इंदौर वासियों को दशहरे की शुभकामनाएं। हमारे गोयल विहार में हर सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग इसी तरीके से पारिवारिक माहौल में मनाते हैं। पिछले 9 दिन से गरबा भी रखा गया था, रावण दहन भी हुआ, और हम लोग चाहते हैं कि हमारी ये परंपराएं निरंतर बनी रहे, जो आने वाली पीढ़ी को बताए कि हम लोग ये दशहरा और क्यों मनाते हैं। और कल एक मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अमृतसर में जो एक हादसा हुआ उससे बड़ा दुख हुआ, और मेरा ऐसा सोचना है कि हर धार्मिक कार्यक्रमों में नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम होने चाहिए। किसी भी नेताओं के लेट आने के कारण जो कल हादसा हुआ है वो यही कारण रहा है कि उनका 1 घंटे लेट आना और कार्यक्रम को डिले करना, और उसके कारण 70 जान गई, वो काफ़ी दुखदायी है। सोना पत्ती जो दी जाती है, सोना पत्ती एक्चुअली समृद्धि का प्रतीक है, और इससे 2 पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक तो जो श्री राम जी जो थे, जब लंका पर जब उन्होंने आक्रमण किया था तो उन्होंने शमी वृक्ष की सिर झुकाकर पूजा करी थी, तो इसे विजय का प्रतीक भी माना जाता है। और साथ ही साथ अगले दिन उन्होंने सोना बांटा था लंका में, तो इसे हम सोना मानकर शमी पत्र को बांटते हैं। और शमी पत्र की पूजा इसलिए भी की जाती है कि ये प्राकृतिक आपदा सूखा वगैरह की जानकारी पहले से दे देता है। ऐसा माना जाता है कि जिस साल शमी पत्र ज़्यादा फलेगा फूलेगा, ये पेड़ जिस साल ज़्यादा फलता फूलता है उस साल सूखा पड़ता है, तो ये पहले से उसकी जानकारी दे देता है, इसलिए लोग इसकी पूजा करते हैं। संजीव वैद्य जी का मानना है सबसे पहले हमें हमारे अंदर की रावण को मानने की आवश्यकता है, साथ ही उन्होंने शायराना अंदाज में क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, मैं दशहरे पर्व के बारे में यही कहूँगा कि ये बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है, और मैं यही बोलूँगा कि दशहरे के दिन हम रावण को जलाते जरूर हैं, लेकिन अपने भीतर के रावण को हम पहले मारें। और किसी शायर ने कहा था कि रावण पर पहला तीर वही मारे जिसके भीतर अक्ष हो श्री राम का, तो हम अपने भीतर के श्री राम तत्व को जागृत करें और रावण तत्व का विनाश करें। यही दशहरा पर्व की मेरी शुभकामनाएँ हैं देशवासियों को, और गोयल विहार की तरफ से पूरे इंदौर वासियों को, पूरे देशवासियों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं सीनियर सदस्य दुर्गा देवी श्रीवास्तव ने दशहरे की परंपरा के पुराने स्वरूप से नए की तुलना की और चिंता भी व्यक्त की। इस प्रकार का अभाव भी हो सकता है, तो अन्य प्रकार के अभाव मतलब वैसे आजकल देखा जाए तो रीति रिवाज भी बदलते जा रहे हैं, रीति रिवाज जो है बदलते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। अब वो रीति रिवाज नहीं रहे, पहले मिलने के लिए घर घर जाते थे और मतलब अपने अपने सोना पत्ती देते थे, और आजकल वो रिवाज बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। अब बच्चे जो हैं आधुनिक होते जा रहे हैं, दिन पर दिन बच्चों में परिवर्तन आता जा रहा है। हाँ, मतलब फिर दूरियाँ अपने आप बढ़ती जाती है फिर इसी प्रकार से। तो अभी तो खैर मतलब इस युग में अभी तो नहीं इतनी बदली है, लेकिन आगे जाके मैं सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, तो उनको बहुत पहल करने की ज़रूरत है, लेकिन मतलब आजकल जो लोग सुने उनकी जो भी तो पहल मतलब वो मानेंगे उसको। बड़े लोग काफी कोशिश करते हैं लेकिन उसको मानना जरा मुश्किल ही है आजकल जमाने में। कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता व शौर्य की समर्थक रही है। दशहरे का उत्सव भी शक्ति के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला उत्सव है। सभी की खुशियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्सव हमारे देश के अभिन्न अंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।